मांडवा के श्री शिंगाजी ताप परियोजना में 26 सितंबर से सभी यूनिट बंद हैं। इसकी वजह से बिजली बनाने का काम भी ठप पड़ा हुआ है। दरअसल 5 दिन पहले एक पंप ऑपरेटर की ड्यूटी के दौरान थर्मल पावर के रिजर्व वायर में डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद ग्रामीण ताप परियोजना के अंदर घुस गए और मृतक के शव को गेट पर रख कर प्रदर्शन किया था और जमकर हंगामा भी किया था। वहीं हंगामा करने वालों के खिलाफ इंजीनियर पुलिस की कार्रवाई नहीं करने से नाराज हैं। पहले दिन से ही लगातार मांग थी कि जो आरोपी हैं, जिनका हमने साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं पुलिस को, उनके खिलाफ सख्त जो भी धाराएं बनती हैं उनके खिलाफ दर्ज हो। 4 दिन लगातार हो गए हैं, पावर हाउस बंद है और आज ऐसी सूचना आई है कि FIR दर्ज हुई है। तो उस FIR में जो साक्ष्य उपलब्ध हमने कराए थे, जिनके साक्ष्य सीधा सीधा मौजूद हैं कि इसमें जो धाराएं लगनी थी वो धाराएं नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ये मामले को, प्रकरण को कमजोर करने वाली बात हुई है। तो तत्काल हमारा SP साहब से भी मांग यही है, प्रशासन से भी मांग यही है कि जो डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है, जो मुख्य आरोपी जो हमने साक्ष्य उनको उपलब्ध कराए थे, उनका तत्काल से इसमें नाम जोड़ा जाए। और आप लोग सामने की तरफ वगैरह दे रहे हैं, आज इसी गोलमोल रवैये की वजह से हमें विवश होना पड़ा कि हम 1000 कर्मचारियों अधिकारियों ने SSTP में असुरक्षा के माहौल में 1000 लोगों ने इस्तीफा प्रबंधन को प्रेषित किया है। वो नहीं किया जाएगा, कोई मेंटेनेंस का कार्य वहाँ नहीं किया जाएगा। जो क्षेत्र अंधेरे में डूब जाएगा, 11 KV 33 KV लाइन या किसी जो है ना फैसिलिटी में जो है ना कोई जो है ना लाइट अगर चली जाएगी तो वहाँ पे कोई सुधार कार्य नहीं किया जाएगा। ऐसे ही 3 तारीख को जो है हमारा जो मध्य क्षेत्र है यानी भोपाल क्षेत्र, वहाँ पर ये रहेगा। और 4 तारीख को पूर्वी क्षेत्र, जिसका जो है मुख्यालय जबलपुर है, वहाँ पर केवल मुख्यालय भर में नहीं, पूरा जो है वो जो क्षेत्र कहलाता है वो पूरा जो है ना वहाँ पे वो जो है वो उस जो हमारा आंदोलन है उससे प्रभावित होगा। तो ये हमारा कार्यक्रम है और उसके साथ ही जैसा तय कार्यक्रम था उसी हिसाब से हमारे विद्युत का भी बंद होगा। अब देखना तो ये होगा कि प्रशासन इनकी मांग पर कब कार्रवाई करता है और मध्य प्रदेश को अंधेरे से डूबने से बचाता है। खंडवा से न्यूज़ के लिए अजीत की रिपोर्ट।